बीजेपी उत्तराखंड में इस समय टिकट बंटवारे को लेकर विद्रोह के स्वर बहुत तेजी से फूट रहे हैं। जहां एक तरफ कांग्रेस के बड़े नेताओं का बीजेपी करण करके बीजेपी फूली नहीं समा रही है, वहीं दूसरी ओर जिन कांग्रेसियों को बीजेपी में मिलाकर टिकट दिया गया है उनके विरोध में पार्टी कार्यकर्ता और दावेदारों ने विरोध के स्वर प्रस्तुत कर दिए है। बीजेपी उत्तराखंड ने 6 विधानसभाओं के टिकट अभी रोके हुए है। इन्हीं सीटों में से एक सीट धर्मपुर विधानसभा है जो कि हमेशा से ही हॉट सीट रही है। इस चुनाव में भी असमंजस की स्थिति इस सीट पर बनी हुई है। आपको बता दें कि धर्मपुर से इस बार देहरादून के मेयर विनोद चमोली अपनी मजबूत दावेदारी प्रस्तुत करते हुए नजर आ रहे हैं। आज भी उनके समस्त कार्यकर्ताओं ने बीजेपी कार्यालय पहुंचकर उन्हें समर्थन दिया। साथ ही क्षेत्र से आई महिलाओं ने उनके समर्थन में कार्यालय में भजन कीर्तन भी किए। विधानसभा के अंतर्गत आए काफी मात्रा में पार्षदों, प्रधान, बीडीसी मेंबर व शहर के मंडल अध्यक्ष के अलावा पार्टी के पदाधिकारियों ने भी उनके पक्ष में टिकट की मांग की। हम इसलिए यहाँ पे कीर्तन भजन जो भी हो रहा हम शांति पूर्वक अपनी बात रखना चाहते हैं, क्योंकि हमारे विधानसभा का जो टिकट है वो फाइनल क्यों नहीं हो रहा है। हम ये चाहते हैं, हम जनप्रतिनिधि हैं, उसके नाते हमें ये है कि हमारा विधानसभा का टिकट फाइनल हो। हमें क्षेत्र में जाना है जनता से वोट लेने, तो किस पेस पे जाएंगे। 15 साल हमें बिना विधायक के हो गए हैं, हम और नहीं रहना चाहते बिना विधायक के। कैंडिडेट हैं जो आंदोलनकारी हैं और संघर्षों के बाद आज 30 साल के संघर्ष के बाद हम उनके साथ लगातार जुड़े हुए हैं और वो यहाँ तक पहुँचे। धन बल से कभी भी जनता का विश्वास तुम नहीं जीत सकते। टिकट ऐसा तो पहले हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो ही एक सीट निकाल सकते हैं और वो ही यहाँ से जीत सकते हैं। बाकी कोई हमसे लिखित ले लो, कोई नहीं जीत सकता, क्योंकि वो संघर्षों से यहाँ तक पहुँचे हैं और वो ही सीट को निकाल सकते हैं। और आंदोलनकारी हैं, उत्तराखंड आंदोलन में उनकी सबसे प्रमुख भूमिका है और हम भी उन्हीं के पीछे हैं। आंदोलनकारी हम उनके पीछे हैं। उन्होंने बहुत मतलब लाठी डंडे खाए, बहुत मार खाई, तब वो यहाँ तक पहुँचे हैं। और हाईकमान को उन्हें टिकट देना ही पड़ेगा अगर वो सीट बचाना। 3 विधानसभाएं इसमें प्रभावित होती है, 3 विधानसभाएं। इस दौरान वक्ताओं ने कहा कि विनोद चमोली क्षेत्र में लगातार सक्रिय है, साथ ही वे उत्तराखंड आंदोलन में सक्रिय आंदोलनकारी रहे हैं। वक्ताओं के अनुसार अन्य संप्रदायों के लोगों का भी चमोली जी को पूर्ण बहुमत प्राप्त है, अतः वे इस सीट से जिताऊ कैंडिडेट हैं। देखिए, टिकट केवल 70 लोगों को मिलना है। लोग टिकट मांगने वाले हमारे यहाँ 1000 से ज्यादा थे। हमारे परिवार के लोग हैं, अपने परिवार में उन्हें अपनी पीड़ा कहने का हक है और भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं का पूरा सम्मान करती है और उसका सम्मान करते हुए समय आने पर अलग अलग स्थान पर उन्हें महत्व भी दिया जाता है। ये विधानसभा का टिकट प्राप्त करना कोई अंतिम सम्मान नहीं है। इसका अर्थ ये नहीं कि जो विधानसभा के लिए 70 लोगों ने टिकट पाया वही भारतीय जनता पार्टी में सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति। कोई भी परिवार में अगर बढ़ोतरी होनी है तो निश्चित रूप से उन्हें अपने साथ समान विचारधारा वाले, अपनी रीति नीति में विश्वास करने वाले नए लोगों को अपने साथ जोड़ना ही पड़ेगा। जब तक आप नए लोगों को अपने साथ नहीं जोड़ेंगे, अपनी विचारधारा से प्रभावित करके, अपने कार्य व्यवहार से प्रभावित करके, तब तक आपका विस्तार नहीं हो सकता। और निश्चित रूप से जिस प्रकार से हमारी विचारधारा से, हमारे काम करने के तरीके से, हमने जिस प्रकार का शासन केंद्र में दिया है उससे प्रभावित होकर बड़ी संख्या में लोग भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं, तो ये भारतीय जनता पार्टी का सौभाग्य है। देवभूमि न्यूज के लिए देहरादून से पवन नेथानी।